हटा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक राममिलन शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। गार्ड ऑफ ऑनर से अंतिम विदाई, विदाई ऐसी कि हर एक आंख हुई नम। हटा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ कर्तव्यनिष्ठ एवं हसमुख स्वभाव के आरक्षक राममिलन शर्मा का बीती रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। आरक्षक शर्मा के निधन की खबर सुनकर हटा पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। देर रात की भारी संख्या में अस्पताल में पुलिस बल पहुंच गया। बताया जा रहा बीती रात हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह के ट्रांसफर उपरांत आयोजित सम्मान समारोह से लौटने के बाद आरक्षक राममिलन शर्मा जैसे ही घर पहुंचे और हार्ट अटैक हो गया। तत्काल ही परिजन सिविल अस्पताल हटा लेकर पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसडीओपी हटा सहित विभिन्न स्थानों की पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई, जहां कोई इस घटना से स्तब्ध रह गया और सभी की आंखें नम हो गईं। गुरुवार सुबह आरक्षक राममिलन शर्मा की पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए हटा पुलिस थाना में रखी गई, जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी देकर अपने आरक्षक को अंतिम विदाई दी। तत्पश्चात सम्मानपूर्वक आरक्षक का शव रखा एम्बुलेंस के रखा गया, जहां एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह और टीआई मनीष मिश्रा ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ पुलिस थाना मुख्य गेट तक पैदल मार्च किया और एम्बुलेंस वाहन पर पुष्प वर्षा करते हुए नम आंखों से गृह ग्राम रसुईया बड़ा मलहरा के लिए रवाना किया गया। ज्ञात हो कि मृतक आरक्षक की पत्नी प्रिया शर्मा हटा सिविल अस्पताल में ANM के पद पर पदस्थ हैं। ज्ञात हो कि राममिलन शर्मा बेहद कार्य कुशल और मिलनसार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस आरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे, जिनके असमय जाने से हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरक्षक राममिलन शर्मा का निधन हो गया है। यह ग्राम के लिए रवाना हुए आरक्षक के पार्थिव देव को जिले की अंतिम सीमा पर हटाने विभाग के रजपुरा थाना प्रभारी राजीव पुरोहित के नेतृत्व में थाना स्टाफ द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर सलामी दी गई, जहाँ वाहन को रोककर परिवार परिजनों को ढांढस बधाया गया। वहीं पुष्प अर्पित कर आरक्षक का सम्मान कर उन्हें नम आंखों से जिले के अंतिम छोर के थाना रजपुरा से गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।